हेलो, डेटा स्ट्रक्चर। आज से पाइथन का ये नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे देखा जाए डेटा स्ट्रक्चर एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन पाइथन में इसका कुछ पार्ट हम आपको जरूर सिखाएंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें इन सभी टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। उसमें डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और डेटा स्ट्रक्चर की टाइप कौन कौन सी है, और लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बार माना जाता है उसका 50% हम आज की वीडियो में सिखाएंगे और 50% आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सिखाएंगे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने के, स्टोर करने के या ऑर्गेनाइज करने के जितने भी मीनिंगफुल तरीके, मीनिंगफुल वेज हम यूज करते हैं उन्हीं को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे लिस्ट, एरे, स्टैक, ट्री, ग्राफ एक्सेट्रा, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के ही एग्जाम्पल्स हैं। और डेटा स्ट्रक्चर हमें अलाउ करती है कि जिससे कि हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें और उन डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म भी इजीली कर सकें, जैसे इंसर्शन, डिलीशन एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की टाइप कौन कौन सी होती है। उसमें नंबर वन पे है प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और इसमें सिखाया जाएगा लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और एरे। तो ये है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हम पाइथन में जरूर सिखाएंगे। और उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर या नॉन प्रिमिटिव, ये जो अलग ही सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें ये सब चीज सिखाई जाएंगी। उसमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और ये ट्री और ग्राफ। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर की टाइप और डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में इन टॉपिक्स के बारे में। और इन टॉपिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक ऑर्डर में, सिक्वेंशली। और हर एलिमेंट का अपना एक एड्रेस भी होता है, उसे कहते हैं इंडेक्स। और जो इंडेक्स नंबर होता है लिस्ट में वो 0 से स्टार्ट होता है और 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लास्ट तक, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्स। और वो जो इंडेक्स नंबर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव स्टार्ट होता है -1 से। अब ये कौन सा -1 होगा, कौन सा 0 होगा, ये हम अभी आगे थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट की जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल से मतलब होता है कि हम लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनको भी चेंज कर सकते हैं और उसकी लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन ए लिस्ट वी कैन इंसर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। हम लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप की कर सकते हैं, इंटीजर टाइप कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं। और इट कैन बी नेस्टेड, मींस लिस्ट के अंदर लिस्ट भी अलाउड है। और जब हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे, लिस्ट को क्रिएट करेंगे, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल्स हैं इनको हमें यूज करना होगा, राइट। अब हम आपको बताते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो ए इज इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स को ब्लैंक खाली छोड़ देंगे, या फिर आप लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी ब्लैंक लिस्ट को बना सकते हैं। और अगर इस लिस्ट के अंदर हमें एलिमेंट स्टोर कराने हो, इनिशियलाइज करानी हो लिस्ट को, तो आप ऐसे करेंगे, पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद ए जीरो, जीरो वाले इंडेक्स पर 10 डाल दिया सपोज हमने, 1 पे 20 और 2 पे 30। इसको हम अलग से ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर देखा जाए कि इनके इंडेक्स नंबर क्या क्या होंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। ये देखिए ए जीरो पे आएगा 10, A1 पे 20, A2 पे 30। तो ये तो है इसके पॉजिटिव इंडेक्स और ये होते हैं इसके नेगेटिव इंडेक्स। इट मींस अगर आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप A2 से भी कर सकते हैं और A-1 से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप A0 से भी कर सकते हैं और A-3 से भी कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर पाइथन में जो लिस्ट है उसको 0 से 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स भी होते हैं। और अब ये देखिए कि जो लिस्ट है उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें आपको सिखाएंगे प्रिंट एंटायर लिस्ट, पूरी लिस्ट को कैसे प्रिंट करेंगे और इंडेक्स नंबर से कैसे प्रिंट करेंगे, लूप कैसे यूज करते हैं लिस्ट के साथ, एडिटिंग कैसे करते हैं लिस्ट में, ये सारे ऑपरेशंस हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे 1 बाय 1। तो अब चलते हैं
IDE में और देखते हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट को बनाते हैं और किस तरीके से इन तीनों ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, प्रिंट करना इंडेक्स नंबर के थ्रू भी और लूप के थ्रू भी। तो किस तरीके से हम खोलेंगे अपने IDE को, तो अगर आप भूल गए हैं तो आपको दोबारा बता देते हैं। ये देखिए पाइथन, यहाँ पे आप सर्च में डाल दीजिए IDLE पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही ये हमारा पाइथन की जो IDE ये ओपन हो गई। और इसको आप थोड़ा छोटा कर लेंगे जिससे कि आपको आउटपुट भी दिखाई देता रहेगा साथ साथ, और प्रोग्राम जो हम टाइप करेंगे, जो कोड लिखेंगे, वो भी आपको साथ साथ दिखाई देता रहेगा। और यहाँ पे आप नई फाइल ओपन कर लेंगे। ये हमने नई फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे हमने इसको इधर सेट कर लिया है, और जिससे कि दोनों चीज़ें आपको साथ साथ दिखाई देती रहे। अब यहाँ पे आए हैं और हम डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं, और यहाँ से प्रोग्रामिंग का जो मोड है, जो इसका स्क्रिप्ट मोड है, वहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई, देखिए ए इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट इसमें डाल दिए 10, 20, 30, जितने मर्जी आप एलिमेंट डाल सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए। और इसको रन करने के लिए पहले आपको फाइल को सेव करना होगा। ये मैंने सेव किया और ये पूछ रहा है कि कहाँ पे किस नाम से सेव करना है। आप कहीं पे भी सेव कर लो। सपोज मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में स्टूडेंट के फोल्डर में मैंने इस फाइल को सेव कर लिया किसी भी नाम, सपोज टेस्ट नाम से मैंने सेव किया। ये ऑलरेडी बनी, यहाँ से आएगा रन मॉड्यूल पे। तो ये देखिए ये तीनों एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए, राइट। तो ये था कि लिस्ट बनाते कैसे हैं और किस तरीके से उसको प्रिंट करते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसको इंडेक्स नंबर से कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए प्रिंट, हमने किया प्रिंट और उसके बाद A0। तो A0 का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये प्रिंट होगा। और इसी के नीचे हम अगर टाइप कर लेते हैं प्रिंट A-1, तो ये -1 लास्ट इंडेक्स है। और इसको जब सेव कर लेते हैं और अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए A0 से क्या प्रिंट होगा और A1 से क्या। A0 से प्रिंट हुआ 10, तो 0 पर 10 है, और A-1 पे लास्ट इंडेक्स पे 30 है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसको लूप के साथ कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 3। तीन एलिमेंट हैं तो तीन बार लूप चलेगा। अगर आपको याद होगा तो 3 का मतलब होगा 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होगा और जो यहाँ पे लिखते हैं उससे कम तक लूप चलता है। अब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट AI। तो ये AI से मतलब हो गया कि A0 वाला एलिमेंट 10 प्रिंट होगा, फिर A1, फिर A2। और अब इसको भी सेव कर लेते हैं। ये मैंने सेव किया और इसको फिर से रन करेंगे तो ये देखो ये आपके तीनों एलिमेंट ऐसे प्रिंट हो गए। और इसमें एक फैसिलिटी और भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लूप आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं फॉर आई इन ए, ये ध्यान से समझिए। ये पाइथन की जो ट्रिक है वो स्टार्ट हो चुकी ए। अब यहाँ पे आप सिर्फ आई टाइप करेंगे। देखिए इसका मीनिंग ये है कि फॉर आई इन ए, ए मतलब ये जो लिस्ट है इसका एक एक एलिमेंट ये आई में स्टोर करेगा और तब उसको प्रिंट करेगा। तो आई में पहले वैल्यू क्या आएगी 10, वो प्रिंट हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली 20 आएगी, वो प्रिंट हो जाएगी, फिर 30 प्रिंट हो जाएगी। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको फिर हम रन करके देखते हैं तो क्या प्रिंट करता है। तो ये देखिए तीनों एलिमेंट ये फिर से प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम लिस्ट को बनाते हैं और इस तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस करते हैं। और उसके बाद का जो ऑपरेशन है वो है एडिटिंग लिस्ट और कंपेयरिंग लिस्ट। तो ये एडिटिंग कैसे करते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं। IIDE में ये आ गए हम IDE में। तो ये जो लिस्ट हमारे पास बनी हुई है इसी में मैं दिखाता हूँ आपको एडिटिंग कैसे करते हैं। तो A0 कोई भी इंडेक्स नंबर पे हमने सपोज यहाँ पे डाल दिया 100। A0 में लो मैंने यहाँ पे सपोज 500 डाल दिया। तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट A। तो देखते हैं कि A0 पे अब 10 की जगह 100 प्रिंट होता है या नहीं। तो ये रन किया मैंने तो ये देखो A0 पे 500 आ गया। क्योंकि हमने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल से मतलब है कि आप इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आप उनको एडिट कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद एक तो कंपेयरिंग लिस्ट। कंपेयरिंग से क्या मतलब है, देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट और डिफाइन की B=10, 20, 30। ये मैंने
दो लिस्ट बनाई है। अब मैंने यहां पे प्रिंट किया प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी, कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो लिस्ट है दोनों ये सेम है कि नहीं। अब ये अगर इक्वल है तो प्रिंट करेगा ट्रू। अब ये देखो रन किया मैंने तो इसने प्रिंट किया ट्रू कि दोनों सेम है, तो इसलिए ट्रू प्रिंट हुआ है। और अगर मैं इनको कंपेयर करूं इस तरीके से ए इज बी, कि जो ए है क्या वो बी है। अब इसको सेव करते हैं और मैंने यहां पे इसको फिर से रन किया तो अब प्रिंट कर रहा है फॉल्स। देखिए ए और बी दो लिस्ट है, तो जो अगर इक्वल टू से आप कंपेयर करते हैं तो वो कंपेयर करते हैं उनकी वैल्यूज को, जो वैल्यूज है दोनों लिस्ट के अंदर उनसे कंपेयर करता है। और जो इज होता है ये कंपेयर करते हैं उनकी आईडी नंबर से, जो उनकी आइडेंटिटी होती है लिस्ट की वो उससे कंपेयर करता है। अब हम चेक करते हैं कि ए की क्या आईडी है और बी की क्या आईडी है। तो इसी के नीचे हम लिखेंगे प्रिंट, या हम पहले बता चुके आईडी फंक्शन होता है और यहाँ पे ए डाल देंगे और ऐसे ही हम प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ बी की, ये हमने बी डाल दिया। अब चेक करते हैं दोनों की आईडी सेम है या नहीं। मैंने सेव किया और अब इसको हम जब रन करेंगे तो ये देखिए आईडी दोनों की डिफरेंट है। तो इसीलिए इस जो यूज करते हैं हम ऑपरेटर आइडेंटिटी चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दोनों लिस्ट को, तो इससे तो प्रिंट किया इसने फॉल्स। और अगर आप इक्वल ऑपरेटर से चेक करेंगे तो फिर प्रिंट करेगा ये इक्वल यानी कि ट्रू, क्योंकि वो वैल्यू कंपेयर करता है और ये उसके जो आईडी नंबर होते हैं जो आइडेंटिटी होती है उससे कंपेयर करता है। नेक्स्ट है कॉपिंग लिस्ट। एक लिस्ट की कॉपी दूसरी लिस्ट में कैसे करते हैं? दो तरीके हैं, कॉपी वैल्यू ऑफ लिस्ट और कॉपी विद रेफरेंस से भी कर सकते हैं। तो आइए आईडी में वापस। तो अब ये देखिए, ये हमने एक लिस्ट बनाई ए और मैंने किया बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। ये एक फंक्शन है कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी में कॉपी हो गए। अब मैं अगर प्रिंट करके देखता हूं प्रिंट ए और फिर प्रिंट बी, और मैं इनकी आईडी को भी चेक कर लेता हूं कि क्या अब ये आईडी शो करेगा। प्रिंट आईडी ए, प्रिंट आईडी बी, तो मैंने सेव किया और अब फिर से रन करते हैं। रन बजाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए दोनों एलिमेंट दोनों लिस्ट हैं वे सेम प्रिंट हो गई और इनकी जो आईडी है वो डिफरेंट है, राइट। तो ये जो कॉपी किया इसने इसे कहते हैं कॉपी बाय वैल्यू, कि इनकी वैल्यूज की कॉपी ये इसने बी में की। अब इस कॉपी को हम करते हैं रेफरेंस के साथ, ये मैंने कॉपी किया ऐसे t इज इक्वल टू ए, तो इट मींस जो ए लिस्ट है इसकी कॉपी बी में हो गई रेफरेंस के साथ। तो अब अगर हम इनको प्रिंट करेंगे ए और बी को सेम वैल्यू आएगी, और जो इनकी आईडी होगी अब वो आईडी दोनों की सेम आएगी क्योंकि ये रेफरेंस के साथ कॉपी किया है। तो पहले सेव करेंगे और फिर रन करेंगे तो ये देखिए अब आईडी दोनों की सेम है। तो इसे कहते हैं कॉपी रेफरेंस के साथ कॉपी किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे बी जो लिस्ट है उसके जीरो इंडेक्स पे मैंने डाल दिया 500, बी वाली लिस्ट के इंडेक्स पे हमने 500 डाल दिया, और मैं प्रिंट करके देखता हूँ ए जीरो को या ए वाली लिस्ट को, ए वाली लिस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ तो ये प्रिंट ए वाली लिस्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस के साथ कॉपी था। ये देखिए 500 प्रिंट कर रहा है जबकि हमने एलिमेंट डाला था बी जीरो में, और प्रिंट कर रहे हैं हम ए जीरो को मतलब ए वाली लिस्ट को, तो ये बी को चेंज करने से वो ए वाली जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी क्योंकि वो रेफरेंस के साथ कॉपी किया है। अगर आप कॉपी फंक्शन से करते हैं तो फिर वो वैल्यू के साथ कॉपी करता है, उसमें फिर वो चेंज नहीं होगा। वो भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए डॉट कॉपी, ये मैंने ए की कॉपी बी में की और वैल्यू तो सेम आएगी, आईडी डिफरेंट आएगी, और जब बी जो वैल्यू चेंज करेंगे तो ए पे चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ तो ये देखिए ए जीरो में 10 ही रहेगा क्योंकि हमने बी जीरो की वैल्यू चेंज की। तो कॉपी फंक्शन से जब कॉपी करते हैं तो वो कॉपी बाय वैल्यू से कॉपी करता है, राइट। नेक्स्ट है कॉनकेटिनेटिंग लिस्ट। अगर हम दो लिस्ट को कॉनकेटिनेट करें तो वो कैसे होती है वो भी आपको बताते हैं। ये हमने एक लिस्ट बनाई, अब यहां पे किया मैंने a इज इक्वल टू ए प्लस 40
और अब अगर मैं प्रिंट करके देखूं तो ये देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। सेव किया और ये रन कर लेते हैं तो ये कह रहा कि एरर कि आप इस तरीके से कॉन्केटनेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ पट्टी को, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो ये देखते हैं अब ये क्या प्रिंट करने जाएगा। तो यहाँ से रन करते हैं तो ये देखिए अब ये प्रिंट कर रहा है 40, ये हो गया कॉन्केटनेशन। तो अगर आप कॉन्केटनेट करेंगे लिस्ट के साथ तो ये भी लिस्ट होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम कॉन्केटनेट भी कर सकते हैं। और ये देखिए अगर सपोज हमने किया बी इज इक्वल टू 11 22 33, ये दो लिस्ट होगी एक ए और एक बी, और आप यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो दोनों लिस्ट को ये कॉन्केटनेट करेगा और ए में डालेगा। अब जब ये ए को प्रिंट करेगा तो दोनों लिस्ट के एलिमेंट वो ए में आ चुके, दोनों लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने किया और ये दोनों लिस्ट के एलिमेंट ए की लिस्ट में आ गए, ए और बी को ऐड करके इसने ए में ही ले लिया, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊं ऐसे और अब इसको रन करते हैं तो अब ये देखिए ये क्या एक्शन करता है। तो ये कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई का सिंबल आप ऐसे नहीं लगा सकते लिस्ट के साथ। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट डाल देता हूँ 3 कोई भी, अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए अब ये करेगा, अब ये क्या कर रहा है कि ए के अंदर जो एलिमेंट है 10 20 30 उनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके ये ए में डाल देगा, 10 20 30 1, 10 20 30 2, 10 20 30 3। तो इस तरीके से आप किसी लिस्ट को मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ भी कॉन्केटनेट कर सकते हैं और प्लस के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेस्टेड लिस्ट। अब देखते हैं नेस्टेड लिस्ट को कैसे बनाएंगे। तो नेस्टेड लिस्ट को बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और मैंने यहाँ पे किया सपोज ये हमारा रोल नंबर हो गया और ये नाम हो गया और ये उसकी मार्क्स, ये मार्क्स हैं इस तरीके से मार्क्स डाल दिए हमने, और ये उसकी परसेंटेज जो भी आप डालना चाहें डाल देते हैं। लो ये परसेंटेज डाल दी मैंने इसकी। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई, तो ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई और ये एक अलग से लिस्ट बनेगी। देखिए ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए ज़ीरो, तो ये ए ज़ीरो से क्या प्रिंट करेगा, 101 करना चाहिए, और प्रिंट करते हैं हम ए वन को, तो ये ए वन से क्या प्रिंट करेगा, राम, और हम प्रिंट करते हैं ए टू को, अब ये ए टू से क्या प्रिंट करते हैं वो भी देखेंगे, और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं ए थ्री को, और ए थ्री से क्या प्रिंट होगा ये भी देखते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो ये देखिए रन करने से क्या प्रिंट हुआ, ए जीरो से 101, ए वन से राम, और जब ए टू प्रिंट की बारी आई तो इसने पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया ये देखिए, और ये आई परसेंटेज ए थ्री से। अगर मुझे प्रिंट करना है सपोज 56, सिर्फ 56, तो आप यहाँ पे लगाइए प्रिंट ए टू, ए टू से तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पे टू के आगे ही दूसरे इंडेक्स डाल देते हैं, 0 पे 45 1 पे 56, तो आप 1 डाल दीजिए तो 2 1 हो गया। तो 2 1 से समझ गया कि दूसरे नंबर पे दूसरे इंडेक्स पे जो लिस्ट है उसका ये 0 1 वाला जो एलिमेंट है उसको ये प्रिंट करेगा। तो अब इसकी वजह से लास्ट में आपको 56 दिखाई देगा, तो ये देखिए ये आ गया 56। तो इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं। फंक्शंस एंड मेथड। तो लिस्ट के फंक्शंस भी होते हैं और मेथड भी होते हैं, और फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो आपको बता चुके हैं, आज फिर थोड़ा सा बताएंगे। तो फंक्शंस तो कहते हैं उन्हें जो क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होते। अब ये क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं ये पढ़ाएंगे आपको एडवांस जावा एडवांस पाइथन में, तो बताएंगे आपको कि क्या होती है क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो जो क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए होते हैं उन्हें कहते हैं मेथड, और जो क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होते उन्हें कहते हैं फंक्शंस। और वे फंक्शंस जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट वगैरह से यूज नहीं होते, उन्हें हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे फंक्शन, इनमें लेंथ है, सम, मैक्स, मिन, लिस्ट और सॉर्टेड। अब हम आपको दिखाते हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आईडी में चलते हैं, और आईडी में आने के बाद अब हम एक लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई,
तो ये देखिए हमने एक लिस्ट सपोज यहाँ पे 10, 45, 21 और 50, तो ये हमने चलो 5, ये हमने एक लिस्ट बनाई। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं लेंथ फंक्शन, देखते हैं पहले तो len a, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये लेंथ बताएगा 1, 2, 3, 4। और ये मैंने रन किया तो ये देखिए 4 आपको शो हो रहा होगा। तो ये है इसकी लेंथ, ये तो था लेंथ फंक्शन। और नेक्स्ट फंक्शन था हमारा, नेक्स्ट फंक्शन सम। अब सम को देखते हैं, तो सम के लिए आप यहाँ लेंथ की जगह आप सम टाइप कर दीजिए। तो जैसे सम लिखेंगे तो अब ये इसका सम शो करेगा, ये 81, तो ये 5 प्लस ये तो 81 आता है। ऐसे जैसे सम फंक्शन होता है ऐसे मैक्स फंक्शन भी होता है, आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, मैक्स को मिन। तो ये क्या करेगा, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो निकल के आएगी। सेव किया और इसको आप 5 से भी रन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू 45 है इसमें और मिनिमम जो वैल्यू है वो 5 है। और अब नेक्स्ट है लिस्ट और सॉर्टेड से भी देखते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि सॉर्टेड, तो मैंने क्या यहाँ पे सॉर्टेड ए, तो ये देखते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसको रन किया तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ गए 5, 10, 21, 45। तो ये सॉर्टेड फंक्शन जो होता है वो लिस्ट को अरेंज करने के लिए है। तो इसने अरेंज तो किया है लेकिन एक्चुअल में जो लिस्ट है वो एज इट इज रहेगी। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे ए को प्रिंट करता हूँ तो वो जो ऊपर जो लिस्ट बनी हुई है 10, 45 वाली वो प्रिंट होगी। तो सॉर्टेड फंक्शन से इसने क्या किया, सॉर्ट तो किया लेकिन एक्चुअल में जो लिस्ट है वो एज इट इज रहेगी, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो ए को प्रिंट करेंगे सिंपल तो जो एक्चुअल जो लिस्ट है वही प्रिंट हो रही है, राइट। तो ये था सॉर्टेड फंक्शन। अब बताते हैं आपको लिस्ट फंक्शन से क्या होने वाला। तो लिस्ट फंक्शन से देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई सपोज इस तरीके से, एस इज इक्वल टू इंडिया, ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई। और मैंने किया ए इज इक्वल टू लिस्ट और ब्रैकेट में डाल दिया मैंने सपोज एस को। तो ये देखिए ये हमने पूरी जो स्ट्रिंग है एस वाली उसको हमने कन्वर्ट किया कि लिस्ट में और ए में डाल दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ ए को, प्रिंट ए, ये मैंने प्रिंट किया ए को। अब इसको रन करते देखते हैं तो ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया। तो जो इंडिया था इसने इसको अलग अलग कैरेक्टर्स बना के और ये लिस्ट बना दी और हर कैरेक्टर को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया। तो इस तरीके से लिस्ट फंक्शन से किसी भी स्ट्रिंग को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन लेंथ सम मैक्स मिन लिस्ट और सॉर्टेड। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। तो ये है इसके मेथड्स। ये मेथड्स वो होंगे जो किसी क्लास के अंदर बने हुए होते हैं, तो इनको हम उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे। तो जैसे अपेंड फंक्शन है, मैं आपको बताता हूँ अपेंड फंक्शन से क्या होता है। अब ये अपेंड फंक्शन को देखिए, ये मेथड है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो इसको हमने किया ए इज इक्वल टू 10, 20, 30। तो ये तीन एलिमेंट हमने लिस्ट में डालिए। अब हमने किया ए डॉट अपेंड। देखिए मेथड है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो मेथड होते हैं वो क्लास जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो ए जो लिस्ट बनाई है ये इसी से कॉल होगा। और यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट सपोज में 200 डाल दिया, तो जो 200 है ये 200 एलिमेंट ए वाले लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करके देखूँ तो ये देखिए अब ये 200 यहाँ पे आ गया, ये था अपेंड। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, इसको नेक्स्ट फंक्शन है एक्सटेंड। अभी एक्सटेंड और अपेंड, तो ये दो फंक्शन में डिफरेंस है वो आप समझिए। देखिए मैंने किया सपोज यहां पे एक दूसरी लिस्ट बनाई बी इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2। ये दो लिस्ट होगी हमारे पास, एक ए वाली और एक बी वाली। अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं, अपेंड करता हूं पहले, तो ए डॉट अपेंड बी। अब मैं प्रिंट करता हूं ए को, तो सेव किया और ध्यान से देखिए। और ये देखिए क्या किया, पहले जो लिस्ट 10, 20, 30
यहां तक। उसके बाद जब बी वाले इसको अपेंड करेंगे तो इसकी लिस्ट बना के इसने इसमें अपेंड, देखिए ये लिस्ट अलग बन गई, ये इसी के अंदर आ गई। ओके, अब अगर अपेंड की जगह मैंने किया एक्सटेंड, तो अब देखिए अब अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। तो पहला आउटपुट तुम्हारा ये था, अब नया आउटपुट देखिए रन करते हैं, तो ये देखिए एक्सटेंड ने क्या किया, 10, 20, 30 उसी लिस्ट को, ए वाले जो लिस्ट है उसी को इसने एक्सटेंड कर दिया, उस अलग से एक लिस्ट बना के स्टोर नहीं किया, नेक्स्ट लिस्ट नहीं बनाई, उसी को इसने एक्सटेंड किया। तो यही डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिवर्स, तब रिवर्स से देखते हैं रिवर्स से क्या होता है। तो रिवर्स चलते हैं, ये हमने इसको हटाया और यहां लगाया ए डॉट रिवर्स, और अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करता हूं ए वाले लिस्ट को, तो ये देखिए अभी जो प्रिंट करेगा ये, तो ये इसको रिवर्स में 10, 20, 30 था, तो 30, 20, 10 प्रिंट हो गया, ये एलिमेंट इधर आ गया, एलिमेंट इधर आ गया। ओके, तो ये था रिवर्स। और नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है कॉपी, कॉपी हम कर चुके हैं। ज्वाइन, ज्वाइन को देखिए, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन, तो इसके लिए मैंने वही पहले की तरह एक स्ट्रिंग लिया एस, और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया सपोज इंडिया, और अब मैंने यहां पे किया ए इज इक्वल टू लिस्ट एस, ये मैंने यहां पे लिस्ट बना के ए में डाल दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं ए को, तो हम पहले दिखा चुके हैं आपको कि ये क्या प्रिंट करने जा रहा है, ये देखिए इसने से किया। अब सपोज मुझे इन लिस्ट की वापस एक स्ट्रिंग बनानी है, तो उसके लिए हम ज्वाइन फंक्शन का यूज करेंगे। तो सपोज मैंने यहां पे किया x इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डॉट, और यहां पे आएगा ज्वाइन, और उसके बाद आप यहां पे डाल देंगे ए को। तो जो ए वाली जो लिस्ट है जिसमें ये वाला आउटपुट आया है, ये उसको ज्वाइन करेगा और x नाम की एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी और उसमें स्टोर कर लेगा। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करता हूं x को, तो ये देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, और ये मैंने रन किया तो देखिए फिर से इंडिया। तो ये काम है ज्वाइन का। और इसमें एक चीज और भी है, अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर एक डैश लगा देते हैं, डैश या कोई भी सिंबल, आपको सेव किया, तो अब ये देखिए हर कैरेक्टर के बीच में एक डैश शो करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ज्वाइन फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्ट, सॉर्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई ए इज इक्वल टू 10, 4, 21 और 6, और अब मैंने किया ए डॉट सॉर्ट, और प्रिंट करते हैं ए को, रन सेव किया, और ये मैंने रन किया यहां से, तो ये देखिए इस पूरी जो लिस्ट है ये इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। देखिए पहले एक फंक्शन आया था सॉर्टेड, वो था फंक्शन, वो क्या करता है कि उस लिस्ट को सॉर्ट करके एक रिटर्न करता है दूसरी लिस्ट के लिए प्रिंट करने के लिए। एक्चुअल में जो लिस्ट है वो ए वाली, वो एज इट इज रहती है। ये क्या करता है, मेथड है, और ये इस पूरी लिस्ट को ही सॉर्ट करेगा। अब जब भी आप ए को प्रिंट करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही शो करेगा, राइट। तो ये था हमारा सॉर्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन से हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजिशन पे लिस्ट की। तो यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेते हैं ए डॉट इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज यहाँ पे ट्रू पोजिशन डाल दी, 100 डाल दिया। अब ये देखते हैं कि पोजिशन इधर आती है या इधर आती है। अब इसको सेव किया और रन करके देखते हैं, तो इसने 100 देखे यहाँ पे टू इंडेक्स पे 100 को इंसर्ट कर दिया, 0 पे 10, 1 पे 4 और 2 पे आ गया हमारा 100, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये बीच में नया एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये था इंसर्ट फंक्शन। उसके बाद जो फंक्शंस हैं वो है मेथड है पॉप, रिमूव और क्लियर। अब इनको समझिए, ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें अगर हम करते हैं ए डॉट पॉप, और अब मैं अगर यहां पे इसको रन करता हूं, तो ये 10, 4 और 21 जो लास्ट का जो एलिमेंट था 6, वो इसने उड़ा दिया। पॉप का काम होता है कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना। ये जब आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर कि जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, उसमें स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो लिफो, हमने आपको पढ़ाया था शायद पहले थोड़ा सा, जब रिकर्शन पढ़ाया था उसमें स्टैक कॉन्सेप्ट बताया था, लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और
पुश का मतलब होता है एलिमेंट डालना, पॉप का होता है एलिमेंट निकालना। तो पॉप की वजह से जो लास्ट एलिमेंट है वो निकलता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से वन, तो देखते हैं कि कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो ये अब क्या करेगा, इसने वन जीरो पे टेन और वन पे फोर, अब इसने फोर को उड़ा दिया। तो अगर आप इंडेक्स नंबर देंगे तो उसी इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा ये उसको वहां से हटा देगा। नेक्स्ट फंक्शन है रिमूव। तो रिमूव में क्या होता है, आप इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, आप वो एलिमेंट ही देंगे जो आपको रिमूव करना है। तो रिमूव फंक्शन में एलिमेंट देते हैं, पॉप फंक्शन में आप इंडेक्स नंबर देते हैं, इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो वो लास्ट से डिलीट कर देता है। तो रिमूव फंक्शन से जो आपने 21 दिया है तो किसी पोजीशन पे हो, किसी भी इंडेक्स पे हो, ये उसको वहां से हटा देगा। तो ये देखिए 21 यहां से रिमूव हो गया। तो अगर अब मैं यहां पे लगाता हूं क्लियर फंक्शन, तो ये लगाया मैंने क्लियर। तो क्लियर फंक्शन से क्या होगा कि जो हमने लिस्ट बनाई है वो पूरी की पूरी वहां से रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं यहां पे इसको सेव करके पहले सेव किया, और अब इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए इसको ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि ये लिस्ट क्लियर हो चुकी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।